नमस्कार, आज हम घरेलू तरीके से केक बनाने जाएंगे। थोड़ा सा चीनी को हम पीस लेंगे। मैं आज बिस्किट का केक बनाने जा रहा हूँ। तो बिस्किट में चीनी की मात्रा होती ही है, इसलिए हम थोड़ा सा ही चीनी को इसमें ऐड करेंगे। पीस चुके हैं, देख लीजिए चीनी हमारा बहुत ही पाउडर बन गई, स्मूथली तैयार हो गया है। हम ओरियो बिस्कुट है मेरे पास, ओरियो बिस्कुट से हम केक बनाने जा रहे हैं। तो तोड़ के हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे। बिस्किट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं पहले, ताकि मिक्सी चलने में हमें डिस्टर्ब ना करे, जार में अच्छी तरह से मूव कर सके। इसको भी हम मिक्सी मैंने चला चुका हूँ। मैं देखिए मिक्सी से इस तरह से पाउडर बन के हमारे पास बिस्किट के आ गया है। अब हम केक बनाने का प्रोसेस। एक बर्तन में एक चम्मच रिफाइन ऑयल लेते हैं। पीसी हुई चीनी जो था वो आधा में रखते हैं। थोड़ा सा दूध, सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इतना मिक्स करेंगे कि ऑयल जो ऊपर तैरता है ना वो मिल जाए। बिस्किट का पाउडर बना के रखते थे ना, एक कप दूध लिए थे, थोड़ा और दूध मिलाएंगे इसमें। हमें ऐसा ही कुछ एक्सेस चाहिए। थोड़ा सा दूध और मिक्स करके इसे थिकनेस को और सॉफ्ट कर देंगे। इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। देखिए हमारा थिकनेस कुछ इस तरह से जाना चाहिए। कुछ हमारा थिकनेस इस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से थिकनेस हमारा जाए, जो टूटे ना, इसका एक साइड से गिरे तो गिरते रह जाए, ये टूटे ना, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, एकदम परफेक्ट थिकनेस आई है इसकी। इसे हम और अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के लिए हम सेकर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा किचन जो होता है उसमें हम घरेलू नुस्खे से, घरेलू तरीके से हम कुछ बनाना सिखलाते हैं, तो इसलिए हमने इसमें सेकर का यूज नहीं किया है। आप चाहे सेकर का यूज कर लें तो आपके हाथों को थोड़ा आराम मिलेगा और अच्छे तरह से परफेक्ट तरीके से ये बहुत बढ़िया। तो एक साइड रखते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हम एक कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ाए हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें हम नमक डालेंगे। बर्बाद नहीं होगा, नमक के बाद में हम इसका फिर से हम यूज कर सकते हैं। जब हम दोबारा केक बनाएं, ढोकला बनाएं, या फिर हम और भी कुछ बेक करना चाहते हैं, उसमें नमक का यूज हो जाता है। या फिर आपको अगर
भुजा खाने का मन है चूड़ा का, तो आप नमक में भी जिनको मिले तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चूड़ा को कुकर छोड़ देते हैं। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हम इसमें लगाएंगे, इस तरह से सब जगह लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये हो जाए, चारों तरफ फैल जाएगी। इसके लिए भी हम ब्रश का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि हम नेचुरल लाइफ के कुक को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हम ब्रश का यूज नहीं कर रहे हैं। सब सारे कोने कोने में फैला लेते हैं ऑयल को, कहीं से मेरा चिपकेगा नहीं। के लिए एक बार मेरे दोस्त ने सब कुछ तो बहुत अच्छा किया, यही प्रोसेस करना वो भूल गए थे, जिसके कारण उसका ढोकला खराब हो गया था। तो उम्मीद है कि वो दोस्त भी देख रहे होंगे वीडियो, तो नेक्स्ट टाइम उनका भी ढोकला खराब नहीं होगा। ऑयल लग चुका है, रेस्ट ऑयल को हम वापस निकाल देंगे। अब हम इसमें आटा बुलबुलाएंगे। इस तरह से जब आटा को चारों तरफ हमने लपेट लिया, उसके बाद रेस्ट आटा को हम फिर से एक प्लेट में पलट के निकाल लेते हैं। इस बैटर को हम कटोरे में डाल रहे हैं। मैंने बड़ा कटोरा लिया है क्योंकि फूल से बड़ा होता है। डालने के बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम थपा देते हैं ताकि शायद कुछ एक बराबर हो जाए। इसको तपा देते हैं। नमक जो हम गर्म कर रखे थे, नमक हमारा गर्म हो चुका है, इस पे हम इसको डालेंगे। आँच को फिर हम एक प्लेट के सहारे से ढक देंगे और 45 मिनट तक इसको ऐसे ही हम बेक होने देंगे। हम 45 मिनट से पहले भी 15 मिनट पे एक बार इसको चेक करेंगे, फिर देखेंगे, क्योंकि आँच का जो हिसाब होता है वो सब गैस का अलग अलग होता है, इसलिए 15 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे, फिर 5 मिनट बाद चेक करेंगे। इस तरह करते करते जब तक मेरा परफेक्ट ना हो जाए, तो आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर में यह बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करने जाएंगे। 15 मिनट हो चुका है, हम एक बार खोल के देखते हैं, ये अभी भी गीला है, बहुत गीला है अभी, अभी 15 मिनट और लगेगा उसमें, इसे और पकने देते हैं। बैक हो रहा है, तब तक हम इसको डेकोरेट करने के लिए डेरी मिल्क क्रीम बन, डेरी मिल्क टॉफी से हम इसकी क्रीम बनाएंगे। Thank you.
से बैठ जाएगा ये। चालीस मिनट पूर चुका है, अब हम इसका ढक्कन उगाड़ेंगे। चाकू मेरा चाकू फ्रेश निकला है, कुछ लगा हुआ नहीं, जब फिर इसमें दिखा दो चाकू उसको टेस्ट किया जाता है। जो मैं चाकू अंदर पे डाल रहा हूँ, चाकू निकाला मैंने, चाकू पे कुछ नहीं लगा, चाकू मेरा साफ है, इसका मतलब है एक बन के तैयार हो चुका है। इसको हम अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। इसके लिए हम दो बिस्किट